टीवी चैनल्स पर देखिए आप। अब जानते हैं इनकी नई टेक्निक, इनका नया षड्यंत्र क्या है। इनका नया षड्यंत्र है, वहां से शुरू करती हूँ, 2013 के भाजपा के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वाले, उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त होगा भारत। उन्होंने 2019 में कहा कांग्रेस मुक्त होगा भारत, बार बार कहते रहे, मगर जब देखा कि फेल हो गए। और बिहार आप जानते हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिला। जो भी उन्होंने किया, उनके सारे घटक दल उनसे अलग हट चुके हैं। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है, जो मुझे लगता है कई बार बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। छोटे छोटे दलों को खत्म करने का उनकी जो चाल है, ये उसी का एक हिस्सा है। और कांग्रेस पार्टी के साथ वो क्या कर रहे हैं, कल मैंने टेलीविजन चैनल पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्रिएटिव देखा। जो एंकर था उसके पीछे ये क्रिएटिव था, जिसमें राहुल गांधी मास्क लगाए और साथ में अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते हुए, और साथ ही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूं करके खड़े हैं। और वो मुझे बता रहा है, थिएटर करने वाले वाले इंसान के सामने जब इस तरह का क्रिएटिव आएगा, तो वो सबसे पहले कहेगा कि राहुल गांधी जी को ये जनता के सामने से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को वो खा सकते हैं। आज के आपने देखे हैं चैनल्स पे, अभी सक्सेना जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो भी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। और मैं आपके कार्यक्रम से चाहती हूँ कि लोग इस बात को सोचे सोचे समझे और अपनी रणनीति को तैयार करें। छोटी पार्टियों को खत्म करने का एक प्लान, कांग्रेस पार्टी को लोगों के दिमाग से हटाने का ये दूसरा प्लान, और तीसरा प्लान आम आदमी पार्टी को उस जगह पे लाकर खड़ा करना गोदी मीडिया के माध्यम से। क्योंकि हर टेलीविजन चैनल पे जो डिबेट होते हैं, और मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होते थे, उनके उनकी हत्या के बाद अगर कोई डिबेट हो रही है किसी भी मेनस्ट्रीम चैनल पे, तो आप मुझे बताइए कि पैनलिस्ट कौन होने चाहिए? क्या वहां पे आम आदमी पार्टी जो सरकार में है उनको नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं होना चाहिए जो मेन विपक्ष है? और उसमें अकाली दल को भी होना चाहिए, मगर हो ये रहा है, मैं आपको क्रिएटिव्स भेज दूंगी, मैंने सारे स्क्रीनशॉट संभाल रखे हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाशती पंजाब में, भारतीय जनता पार्टी और वहां से कांग्रेस पार्टी गायब। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी के सिद्धू मूसेवाला की हत्या के डिबेट में कांग्रेस पार्टी नहीं। दूसरी बात, गुजरात में आप देखेंगे कि चुनाव आने वाले हैं और गरबे पे टैक्स पर डिबेट होता है, और मेन स्ट्रीम चैनल पर, बड़े चैनल पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है जो सरकार में है और होना भी चाहिए। मगर मेन विपक्षी दल में क्या केवल आम आदमी पार्टी है? कांग्रेस नहीं है, मगर पैनलिस्ट में केवल भाजपा और आम आदमी पार्टी होती है। अब आ जाती हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में श्रीकांत त्यागी के ऊपर एक बहस होती है, उसमें हमारे एक प्रवक्ता को बुलाया जाता है, मगर आप जानते हैं आखिर में उनको कहा जाता है अभी आपको नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि इसमें हमने रखना है केवल भाजपा को जो सरकार में है और समाजवादी पार्टी को, क्योंकि मौर्या जी का मैटर है। तो ये सारे बहानेबाजी है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी की रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को आपने गाली दी, पहले आपने उन्हें बदनाम किया, आप देख रहे हैं कि नहीं हो रहे बदनाम, फिर कांग्रेस पार्टी उभर रही है। इसलिए उनकी जगह किसी को तो देनी पड़ेगी ना, लोकतंत्र दिखाना तो है ही है। एक एक दल बनाने के पहले इस देश में आपको ये सब करना पड़ेगा, इसलिए आप उस जगह से हटा कर कांग्रेस पार्टी को एक दूसरी पार्टी को आगे ला रहे हैं। मुझे उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन ये जो सारे षड्यंत्र हैं वो केवल इसलिए क्योंकि अमित शाह जी की हर रणनीति हो गई है फेल। 370 जब एब्रोगेट हुआ था तो क्या लगा था कि शांति तो बहुत जल्दी आ जाएगी भाई, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बाहर से जो काउंटरफीट पैसा आ रहा था वो भी तो खत्म होना था। दोनों ही चीजें नहीं खत्म हुई, आप जानते हैं पुलवामा का इस्तेमाल किस तरह से प्रधानमंत्री ने किया 2019 के चुनाव में, वो भी आपने देखा। और आखिरी बात, क्योंकि वहां पर अभी तक ये चुनाव नहीं करवा पाए, यानी कि बिना सरकार के कश्मीर घूम रहा है इस वक्त, मतलब आप उनको अपने ऊपर निर्भर कराकर ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते रहे कि आपने 370 हटाया और उसको आप बता रहे काला दिन। मगर मैं तो ये समझती हूँ कि लोकतंत्र के लिए उस दिन से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ
और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष बनकर इतने अच्छे दिन पर आवाज उठा रही है जनता के लिए। मुझे तो लगता है भगवान श्री राम भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।